हाय भाभी, क्या हो रहा है? भौजी हमें अंग्रेजी सिखा रही हैं। लिखो जवाहरलाल नेहरू। भौजी जवाहरलाल जे से लिखू या जी से लिखू? जेड से लिख। जेड से। हाँ, आप लल्लू को उल्लू बना रहे हैं। अबे उल्लू, संडे के दिन कोई पढ़ता है क्या? मैं पढ़ता हूँ। भाभी क्रिकेट खेलते हैं। नहीं 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 नहीं, भौजी कहीं नहीं जाएंगी। अबे इधर। क्या हुआ चमेली, इसे कुछ समझा? इतनी मुश्किल से आज छुट्टी के दिन भैया को क्रिकेट खेलने के लिए राजी किया है। कुछ समझे बुद्धू? भौजी क्या बाकी की पढ़ाई कल, अभी प्लेइंग टाइम। आओ भाभी आओ। लेकिन प्रेम मुझे क्रिकेट खेलना कहाँ आता है? तो फिर बैठ के देखना। हाँ भौजी, आसमान में बादल। हाय भाभी। हाय। बाय भैया, आपकी बैटिंग चलिए। भाभी कैच, भाभी कैच। चल लल्लू। ये क्या हो रहा है? चलना क्रिकेट खेलते। आप जरा यहाँ आइए, बराबर फील्डिंग करना, बराबर। ए, हो गई तेरी फील्डिंग। चलो बड़े भैया। चल। हे प्रेम, क्रिकेट ग्राउंड पर सिर्फ देखने की इजाजत नहीं होती। हाँ। साथ में खेलना भी पड़ता है। ओ, अच्छा। भाभी बॉलिंग करना पड़ेगा। मैं? भाभी इज्जत का सवाल है। नहीं नहीं प्लीज प्रेम, आसान है, यू करके यू करने का है। बस दर्शकों, हमारे नए खिलाड़ी के लिए जोर से तालियां। तालियां। चलिए हमारे नए खिलाड़ी बॉलिंग क्रीज की तरफ आ रही है। टिंग 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 टिंग। वेलकम भाभी, बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक भाभी जी। हिज लक इज बेस्ट भाभी। गलत बोल दिया। अंपायर रेडी। सबका ध्यान हमारे नए खिलाड़ी की तरफ, जिन्होंने पहली गेंद में मंजू खिलाड़ी को क्लीन बोल्ड कर दिया। चलिए भाभी, अब आपकी बैटिंग। हमारे नए खिलाड़ी बैटिंग की तरफ मुड़ते हुए बैट प्लीज, ग्लव्स प्लीज, चलें प्लीज, बॉल प्लीज। अब मैच ने बड़ा ही रोमांचक मोड़ ले लिया है। हमारे मंजे हुए खिलाड़ी ने बाहें चढ़ाते हुए बड़े जोश के साथ बदला लेने की ठान ली है। वसीम अकरम, हमारे नए खिलाड़ी बड़े ही आत्मविश्वास के साथ अपनी क्रीज पर डट गए हैं। कम ऑन भाभी। अरे डाल दिया है बॉल, और ये बॉल आसमान में, और ये बाउंड्री के पार जाने के लिए, और ये क्या हुआ? हाउ्स इट? हाउ्स दैट? टफी के बच्चे, तो आप चलिए। आप भी चलिए, आपको लेने हम आएंगे। चलिए 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 भाभी, चलिए भाभी, चलिए भाभी। अरे एक मिनट भैया, जरा चाय तो पी लेने दे। काका जी अब चाय के लिए टाइम नहीं है। लाइए जरा मुन्ने को यहाँ दीजिए। ओली वन चांस। सो यू रेडी टू गो? काका जी। बहू कल लल्लू चला गया, आज तुम लोग चले जाओगे, हमारा मन कैसे लगेगा? इसीलिए तो कहती हूँ काका जी, हमारी फैक्ट्री का काम भी शुरू हो गया है, अब हमारे लिए एक देवरानी ले आइए ना। ओह क्या बात है भाभी, वेल सेड, वेरी वेल सेड। भाभी हो तो ऐसी। देखा राजे। हाँ। क्या जमाना आ गया। चलो बहू, आज से इसके लिए दुल्हन चुनने की जिम्मेदारी तुम्हारी। आई लव यू भाभी। क्या बात है देवर जी, मैं जा रही हूँ, चहक आप रहे हैं। आज आपकी शादी की बात क्या चली, मौसम ने जादू कर दिया। यस भाभी, भाभी आई लव यू। चलिए अब थोड़ी सीरियस बात हो जाए। काका जी ने आपकी बागडोर अब हमारे हाथ में दे दी है, ये बताइए जनाब लव मैरिज पसंद करेंगे या अरेंज्ड मैरिज? भाभी लव मैरिज, जो आपको अरेंज करानी है। क्या? भाभी आई लव यू। देखा मुन्ना,
आपके चाचा आपके पापा से दो कदम आगे निकले, चुपके चुपके आपके लिए चाची भी ढूंढ ली। चाची मुन्ने को भी पसंद है, मुन्ने ने फोटो देख रखी है, क्यों मुन्ना? हाँ बोल बेटा। फोटो हमें भी दिखाइए ना। फोटो क्या भाभी, आपको तो शक्ल दिखा देते हैं। तो क्या आपकी प्यार की मंजिल रास्ते में है? रास्ते में भाभी, ऑन द वे। या हमारी मंजिल तो आ गई जनाब, आपकी मंजिल कहाँ है? भाभी हम दोनों की मंजिल एक है। निशा? भाभी वेलकम। अरे इतने में अंदर तो चलो। अरे भाभी बैठिए, अपना ही घर समझिए। अब ये सब क्या है? अरे पहले अब ये पढ़िए। मम्मी पापा बाहर गए हैं, शाम तक नहीं लौटेंगे, आप नाश्ता कीजिए। निशा समझ गई, यानी कि आपने और आपकी मैडम ने मिलकर पहले से ही ये प्रोग्राम फिट कर रखा है। क्या प्यार है। चल चल अपने भैया को ऑफिस फोन लगा, उन्हें भी तो ये खुशखबरी दे दूं। आहा, आपके पैर कहाँ है भाभी? चल, चल फोन कर। हेलो। हेलो भैया हैं? जी नहीं, वो किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं। बाहर गए? मैसेज छोड़। उनसे कहिए कि आते ही भाभी को फोन करें यहाँ। जी जरूर। अब जरा उठिए, मेरे सामने ये हार निशा को पहनाइए। अरे भाभी कैसे पहनाऊं, आपकी बहन तो शर्म के मारे नीचे नहीं आ रही। अरे अगर वो नीचे नहीं आ रही है तो चल हम उसके पास चलते हैं, लड़के वाले हैं, बारात लेके जाएंगे। अरे मेरे प्यारे भाइयों, देख क्या रहे हो, हमारे प्रेम भैया आज बड़े साफ बने हैं, सैल्यूट करो। शाबाश। थैंक यू। बहू कल तुम मायके जा रही हो ना? जी मामी जी, मम्मी पापा मुन्ने को बहुत याद कर रहे हैं। बहू जी के साथ मैं जाऊंगा। मैं जाऊंगा। मैं जाऊंगा। मैं जाऊंगा। मैं जाऊंगा। चल आप दोनों जाएंगे। अच्छा। ललू तेरे गांव से तार आया है। मेरे गांव से तार आया? क्या लिखा है भाऊजी, पढ़ो तो सही। क्या लिखा है भाऊजी? तेरी भाऊजी की तबीयत खराब है ललू। क्या? वे अस्पताल में एडमिट है, तुम्हें फौरन बुलाया है। लेकिन भाऊजी तुम जाने की तैयारी करो। हाँ ललू, तुझे तो दोपहर की बस भी मिल जाएगी, मैं तेरे जाने का इंतजाम करता हूँ। अरे बहू ये रुपए किसे दे रही हो? लल्लू को, वहाँ इलाज में काम आएंगे मामी जी। बस इसी का डर था मुझे। अरे इन नौकरों को तो मैं खूब अच्छी तरह से जानती हूँ, ये बीमारी तो बहाना है, बहाना, पैसे ऐंठने की स्कीम है, समझी? मामी जी बिल्कुल, ऐसे तार तो 5-5 रुपए में खरीदे जाते हैं, देख लेना, न तो ये रुपए वापस आएंगे और ना ये। बहू तुम्हें होशियार कर देना, मेरा काम था, बाकी जो तुम ठीक समझो करो, नौकर। लल्लू भौजी हम आपकी कसम खाकर कहते हैं, ये तार छूटा नहीं है, खरीदा हुआ नहीं है, हम पर झूठा इल्जाम लगाया गया है, हम छोटे आदमी है ना, इसलिए। तू छोटा कब से हो गया रे? देख तू मुझे भौजी कहता है ना। हाँ। तो ये ले, रख ले। भौजी हमें डर लग रहा है, गांव में अगर उन्हें कुछ हो गया तो। उन्हें कुछ नहीं होगा, आ मेरे साथ। मेरा विश्वास है उन्हें कुछ नहीं होगा। जा।
सुन, जब तेरी भौजी ठीक हो जाए ना, तो सबसे पहले उनसे कहना कि तूने अपने लिए चमेली ढूंढ ली। मामा जी, ये लेडीज प्रोग्राम बड़ा जोरदार होता है क्या? बिल्कुल। आपको कैसे मालूम? अरे बचपन में छिप छिप कर हम सब देखा करते थे। लड़कियों की पोशाक पहनकर महफिल में बैठ जाते थे, क्यों डॉक्टर? व्हाट मामा जी, शेम शेम। अरे तुम लोग तो शरीफ बच्चे हो, है ना? अरे अपने बड़े तो बड़े चालू निकले रहे। हाँ। हम लोग तो कभी ऐसा ना करें। क्यों, चले क्या? हाँ, हाँ। चलो निशा, अब तुम लोग अपना प्रोग्राम शुरू करो। हाँ चाची। हाँ? नमस्ते नमस्ते। क्या बात है, आप लोग यहाँ क्यों बैठ गए? वो क्या है चाची जान, हमें प्रोग्राम देखना है। क्या भोला जी को देखना है? किसको देखना है? एक मिनट, भोला बेटा, ये लेडीज का फंक्शन है, आप लोग बाहर जाइए। हाँ जी, बाहर मिलेंगे। हाँ लल्लू, चाय लाऊं? हम तो जाओ। हाँ। चलो भैया जी, चलो। भोला बेटा, तुम इन दोनों के चक्कर में मत आना, ये बेशरम लोग हैं, तुम्हें भी बिगाड़ देंगे। आप क्यों हंस रही है? यूं ही निकलो बाहर। ऐसे चची जान कमरिया लचक जाएगी। चल गेट आउट आउट। लीजिए जी, आपकी बला टली। एक्सक्यूज मी। अरे रे रे, ये क्या हो रहा? आप डिस्टर्ब हो रही चाची जान, आप कैरी ऑन। भैया जी, मामी जी का क्लोजअप लेंगे। क्यों मामी जी? मेरा क्लोजअप? अरे ले ले बेटा, ले ले। एक मिनट, ये कौन सा रहा चक्कर है? हाँ ओफो भाभी जी, बहू का इतना बड़ा फंक्शन है, बच्चे मुझे वीडियो पर कवर कर रहे हैं, है ना प्रेम? प्रेम मैं क्या डॉक्टर नहीं साहिबा, ऐना ने कोई वीडियो शेड्यूल नहीं खींचना, असा भी जमाना वेख्या है, ऐते कुड़ियां ना दाने डालन वास्ते आए ने। What is कुड़ी? ठहर, मैं दसिया तेनू, मेरी सैंडल तो लाला। सैंडल। हाँ, और क्या, सब लड़के लोग बाहर निकलो, चलो निकलो। देखा, ये है जेंटलमैन, चलो ऑल मैन आउट। अरे अरे, ये ना फोटो आएगा, फोटो। ठहरो, क्या है? अरे ठहरो। उन्हीं का फोन होगा। ले निशा, मुन्ने को संभाल। डॉक्टर साहब,
डॉक्टर साहब ये कुछ कह रही है। इंजेक्शन एट्रोपिन जल्दी। क्या बात है डॉक्टर साहब? आई एम सॉरी।